पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा मुंह पर मास्क लगाकर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रदेश में फैल रहे प्रदूषण पर सरकार को गिरते हुए उस पर सवालिया निशान खड़े किए। मुरादाबाद पहुंचे नवनियुक्त प्रदेश महासचिव यूसुफ अली के द्वारा कार्यकर्ताओं संग प्रदूषण को लेकर मुरादाबाद में विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा गया कि प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है। यूसुफ अली का कहना है कि सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है और जनता के हित में सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। बढ़ते पॉल्यूशन के खिलाफ कांग्रेस ने इसलिए मास्क लगाकर विरोध दर्ज कराया है और सरकार से प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य की मांग की है। देखिए, आज हम यहाँ अपनी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिले के कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के संदर्भ में एक बैठक करने के लिए आए थे। यहाँ आकर के हमारे साथियों ने एक विरोध प्रदर्शन किया है, सरकार को आईना दिखाने का काम किया है कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और सरकार आंख बंद किए हुए है। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ मास्क आम लोगों को और कार्यकर्ताओं को बांट करके एक संदेश देने का काम किया है। और मैं भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आंख बंद करे हुए बैठी है, कितने प्रदूषण की वजह से मामले हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, नई नई बीमारियां चालू हो गई हैं, पानी में प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण है, आम इंसान सांस नहीं ले पा रहा, क्या कर रही है सरकार। और बड़ी बात यह है कि पॉल्यूशन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार है कि कोई भी पैसे दे करके जा करके नया उद्योग लगाने के लिए गलत तरीके से परमिशन ले आता है। लोग पैसे दे करके आम आदमी को मरने के लिए नया लाइसेंस जारी कर देते हैं बिना नियम के। तो ये हम लोगों का आरोप है, इसीलिए आज हम लोग मास्क लगा करके सरकार को आईना दिखाने के लिए अभी यहाँ बैठे हैं।